जम्मू कश्मीर श्रीनगर में मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली। इस मेट्रो प्रोजेक्ट के 2 कॉरिडोर होंगे और हर कॉरिडोर में 12-12 स्टेशन होंगे, जबकि जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिक ट्रेन लॉन्च कर दी गई है। जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए DMRC और राइट्स के द्वारा फिजिबिलिटी सर्वे किया गया था और अब इसका DPR फाइनल हो गया है और एक्सपेक्टेड है कि इसकी जो कम्प्लीशन है वो 2024 तक कम्प्लीट हो जाएगी। 2024 तक कश्मीर में, इंडियन कश्मीर। यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें और वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें, सबसे पहले ये बताएं कि आपको क्या फर्क नजर आता है दोनों साइड। और हमारे यहाँ पर आटे की लाइनें लगी हुई हैं, बात को अंडरस्टैंड करें आप, वो कहाँ पहुँच गए? हम लोग अभी भी जनाबेली दुश्मन दुश्मन दुश्मन। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान आजाद नहीं है, ठीक है, तो आजाद कश्मीर ने क्या आजाद होना है, सबसे मेन पॉइंट है। पाकिस्तान में देखिए आवाम भूखी मरी है, आटे की लाइनों में एक थैले के पीछे पाकिस्तानी एक थैले के पीछे मरे, और कितनी शर्मनाक बात है ये पाकिस्तानियों के लिए, तो फिर आजाद कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, कश्मीर को डिजिटल और स्मार्ट बनाया जा रहा है। इसके बरक्स अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर की, यहाँ पर डेवलपमेंट तो दूर की बात, लोग आटे की लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। अगर देखा जाए तो वहाँ पे मतलब बिजली का बिल मैंने बताया 300 यूनिट हर शहरी के लिए उन्होंने फ्री किए हैं। जी मैं गया हूँ उधर इंडिया में, मैंने विजिट किया हुआ है, वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है, 300 यूनिट फ्री है वहाँ पे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से कि वो कश्मीर में इस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी मीडिया तो हमें यही दिखाता है कि कश्मीर में वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं और वहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहे हैं, लेकिन आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। मुझे ये बताएं कितना फ़र्क आप देख रहे हैं इधर के रहने वाले लोगों में, इधर के लाइफस्टाइल में, इधर की रोड्स वगैरह, और वहाँ पे आपने क्या चेंज फील किया? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है यहाँ पे। वहाँ पर बहुत ज्यादा हमें डेवलपमेंट नजर आ रही है डे बाय डे वहाँ पर हर चीज़ बेहतर। कश्मीर वो तो इंडिया जलाने के लिए करता है ना, जो सामने वाला ऐसा है ना उस पर तमीर और तरक्की ज्यादा करता है। क्यों करता है वो? इसलिए वो दिखाना चाहता है पाकिस्तान को, ये जो हमारे पास लोग हैं इनको कितनी सहूलत दे रहे हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं दिखा पा रहा? और दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के 2024 तक कंप्लीट होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक नेक्स्ट लेवल पर होगा। आपने देखा कि कितना शानदार प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जा रहा है श्रीनगर में, क्या कहेंगे? मेरा कहना यही है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से कि वो कश्मीर में इस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी मीडिया तो हमें यही दिखाता है कि कश्मीर में वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं और वहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहे हैं, लेकिन आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम इंडिया कि वो इस तरह की डेवलपमेंट कर रहा है, और हमें भी चाहिए कि हम भी पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी कौम के लिए इस तरह की डेवलपमेंट करें, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे हुक्मरान इस काबिल नहीं हैं और ना ही उनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो ये काम कर सकें, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से हुक्मरान जो है ना अवाम को बेवकूफ़ बनाते चले आ रहे हैं, तो हमें चाहिए कि अब हमारी अवाम उठे और उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो और अपने हक के ख़िलाफ़ खड़ी हो। अच्छा, हमें तो हमेशा यही बताया गया, यही दिखाया गया कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम हो रहा है, अगर ऐसा जुल्म हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान में भी इस तरह के जुल्म होने चाहिए। नहीं, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, दो, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है। अब ये मीडिया के ऊपर होता है, तो पाकिस्तानी मीडिया ज़्यादातर ये शो करवाता है कि वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, वहाँ पे अच्छे पॉइंट्स भी हैं और हमारे फ्रेंड्स भी हैं इंडियन जो हैं, तो उनके साथ हमारी बातचीत होती है, तो बेशक वो मुस्लिम्स हैं नॉन मुस्लिम्स हैं, तो वो हमारी मीडिया है बेसिकली जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों दिखाती है। ज़्यादातर नेगेटिव पॉइंट्स दिखाए जाते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं दिखाए जाते। आप देख लें कि वहाँ पे क्यों इतनी ज़्यादा मुस्लिम्स, वहाँ पे भी ठीक है सिक्योर हैं और अनसिक्योर भी हैं, तो पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती हम ये। अच्छा, हम आज़ाद कश्मीर के नेगेटिव पॉइंट्स क्यों नहीं दिखाते? आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, हम वो क्यों नहीं दिखाते? देखिए जी, ये तो फिर हमारे मीडिया के ऊपर है ना कि हम अगर डेवलपमेंट नहीं करें, क्योंकि हमारी मीडिया जो है वो इसी चीज़ पर फोकस करती है कि इंडिया की लग पुलिंग की जाए और दिखाया जाए कि इंडिया बस जुल्म ही कर रहा है वहाँ के लोगों पर। अब जैसे आपने मुझे वीडियो दिखाई, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। सर, कश्मीर के हालात सुनने में ऐसे आ रहे हैं कि कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि आटा नहीं मिल रहा और हालात बहुत ज़्यादा बुरे नज़र आ रहे हैं। सर, क्या समझते हैं, क्या हालात चल रहे हैं इस टाइम? आटा तो नहीं मिलता ना, जो नीलम आटा है ना वो बहुत मुश्किल से 30-30 गुटकियाँ दुकानदारों को मिलती हैं। कितने रुपये किलो मिल रहे हैं? किलो नहीं, वो उसका सरकारी रेट 1280 है, तो वो ब्लैक में वही दुकानदार लेके जाते हैं,
1370 का दे रहे हैं। 1370 का मिल रहा है सर, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? अगर सरकारी रेट 1200 है तो आपको 1370 मतलब 1400 का क्यों मिल रहा है? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आप ये देखें ना, 1200 एक मजदूर की दिहाड़ी है, वो एक दिन आटे की गुत्थी के लिए घूमता है, दूसरे दिन वो शिकायत करने जाए तो उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? हालात बहुत ज़्यादा पेचीदा लग रहे हैं। क्या समझते हैं कि जब आज़ादी मिली थी और ये नाम रखा गया आज़ाद कश्मीर, तो सर कितनी आज़ादी है कश्मीर के अंदर जो नाम है आज़ाद कश्मीर? ये अभी तक तो ग़ुलामी नज़र आती है, आज़ादी तो हमें नहीं नज़र आती। किसकी ग़ुलामी है? ये ग़ुलामी नहीं तो क्या, कोई पूछने ही वाला नहीं है। आटा जो वो कराए वो अपनी मर्ज़ी से लोग तयन करते हैं, गाड़ियों वाले किसके पास है? यहाँ पर गाड़ियाँ रोके ना, किसी के पास किराए की कोई लिस्ट मिलेगी आपको? सर कश्मीर के दो हिस्से हैं, एक पाकिस्तान के पास है और एक बिल्कुल साथ नज़र आता है इंडिया के पास है। सर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें डेवलपमेंट नज़र आ रही है, डे बाय डे वहाँ पर हर चीज़ बेहतर। कश्मीर वो तो इंडिया जलाने के लिए करता है ना, जो सामने वाला ऐसा है ना उस पर तमीर और तरक्की ज़्यादा करता है। क्यों करता है वो? इसलिए वो दिखाना चाहता है पाकिस्तान को, ये जो हमारे पास लोग हैं इनको कितनी सहूलत दे रहे हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं दिखा पा रहा? आपको पता है पाकिस्तान इस टाइम डिफॉल्ट के रास्ते पे है, और कश्मीरियों के लिए क्या बजट निकला? अगर हम इंडिया के कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, 35,000 करोड़ सर बजट दिया गया है, और सर वहाँ पर हर वो चीज़ है जो दुनिया के पास है, सर पाकिस्तान के पास क्यों नहीं है? ये देखें, अभी हम लोग अगर आवाज़ उठाते हैं ना तो कोई ना कोई पाबंदी लग जाती है। अगर देखा जाए तो वहाँ पे मतलब बिजली का बिल मैंने बताया 300 यूनिट हर शहरी के लिए उन्होंने फ्री किए हैं। जी मैं गया हूँ उधर इंडिया में। अच्छा। मैंने विजिट किया हुआ है वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही है, 300 यूनिट फ्री है वहाँ पे, कोई कत्लोगारत नहीं है। सर कब गए आप? मैं तकरीबन 8 माह पहले गया था। किस सिलसिले में सर? वैसे विजिट के लिए। अच्छा, वीज़ा मिल गया आपको? हाँ जी मिल गया था। कौन सी सिटी गए थे वहाँ पे? दिल्ली में। अच्छा जी। फैमिली के साथ या अकेले? फ्रेंड्स के साथ गए थे। अच्छा, वहाँ के हालात पाकिस्तान से बहुत ही अच्छे हैं। सर 8 महीने पहले गए हैं, इसका मतलब आप जो रिपोर्ट देंगे वो सही देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ये बताएं कितना फ़र्क आप देख रहे हैं इधर के रहने वाले लोगों में, इधर के लाइफ स्टाइल में, इधर की रोड्स वगैरह, और वहाँ पर आपने क्या चेंज फील किया? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है यहाँ पर ना, ऐसे ही है। कोई चीज़ भी ले लें पाकिस्तान से बहुत सस्ती है वहाँ पर, गाड़ी ले लें यहाँ पर, गाड़ी ले लें वहाँ पे, मेहरान जो है वो 3.5 लाख रुपए की है, यहाँ पे 24 लाख रुपए की है आल्टो। जी ऐसे ही है। सर मुझे ये बताएं जो भारत में विजिट था अपना, वो कितने दिनों का था टोटल? तकरीबन 20 दिन का। 20 दिन आप वहाँ पे रहे? हाँ जी। कौन से होटल में? वहाँ फ्रेंड्स ही थे इंडिया में बने हुए, उनके पास रहे थे दिल्ली में। वहाँ पे फिर जो यहाँ बता रहे हैं मुसलमान और इनका इतना फ़र्क, वहाँ पे मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। रोड जो सड़कें हैं वो बहुत ही नीट क्लीन है इनसे, पाकिस्तान से। वहाँ की करेंसी भी पाकिस्तान से, वहाँ पे महंगाई इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में। महंगाई नहीं है वहाँ पे? नहीं, अफगानिस्तान में नहीं है, ये छोड़ दें, जितनी पाकिस्तान में है। खाली वहाँ पर देखने में नज़र आई भारत के लोग? बिल्कुल आई है, बिल्कुल है वहाँ पर, इंडिया में, भारत में बहुत, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। दोस्तों आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर को भारत के एक राज्य की मान्यता मिल चुकी है, और अब कश्मीर में भी बिल्कुल वैसे ही विकास किया जा रहा है जैसे कि भारत के अन्य राज्यों में किया जा रहा है। आपको बता दें कि कश्मीर में मेट्रो ट्रेन परियोजना पर बहुत ही तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है, और बताया जा रहा है कि 2024 के अंत तक ये काम पूर्णतः कम्प्लीट हो जाएगा। इस परियोजना के तहत केंद्र सरकार 10,560 करोड़ रुपये कश्मीर में निवेश कर रही है। इस परियोजना के तहत जम्मू कश्मीर में 23 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसमें बन तालाब से लेकर बाड़ी ब्रह्मा तक 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। दूसरी ओर श्रीनगर में भी 25 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया जा रहा है। मेट्रो परियोजना की शुरुआत हो जाने के बाद कश्मीर को भारत के एक विकसित राज्य के रूप में गिना जाएगा। जम्मू कश्मीर के विकास में भी इस मेट्रो परियोजना का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की सरकार और वहां की मीडिया हमेशा से ही पाकिस्तानी लोगों को कश्मीर और भारत के मुसलमानों के बारे में झूठी झूठी खबरें देती रहती है,
और इसका कारण ये है कि पाकिस्तान की सरकार कभी भी ये नहीं चाहती कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो ये समझे कि भारत कितनी तेजी से विकास कर रहा है और खास करके कश्मीर में किस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी मीडिया 24 घंटे पाकिस्तानी पब्लिक के दिमाग में आतंकवाद के बारे में ही बातें करती रहती है ताकि कश्मीर और भारत के विकास के बारे में उनके लोगों को पता ना चले और वो लोग अपनी सरकार से ये मांग ना करें कि हमारे यहाँ भी थोड़ा सा कुछ काम किया जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।